तो अभी टॉपिक करते हैं सरफेसी। कौन सा सरफेसी? ये टॉपिक जो है आपका 7 या 8 नंबर का आ सकता है। क्यों आ सकता है बताया कोई? 7-8 नंबर का सरफेसी टॉपिक जो है आपका 7 या 8 नंबर का क्यों आ सकता है? इसलिए आ सकता है क्योंकि इसमें जो है 7 चैप्टर है। तो 7 चैप्टर, 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन मान लो, और पेज नंबर 207 से शुरू है। पेज नंबर 207 से। अच्छा, थोड़ा सा इसको पढ़ाने से पहले हम बता रहे एक्ट जो है इनका क्या रोल होता है, क्या होते हैं ये एक्ट, क्यों हमारे बैंकिंग उसमें इन एक्टों का इतना बोलबाला है। भाई एक्ट एक रूल्स होते हैं जो कहां से लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के जिसे पास कर ले वो एक्ट हो गया। अच्छा, इस एक्ट का फायदा क्या होता है कि पुलिस या जो और अथॉरिटी होती है उस एक्ट के ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य होती है, उनको मानना पड़ता, करवाना पड़ता है, उसमें बहानेबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्ट होते हैं। अच्छा, जितने भी एक्ट आपके चैप्टर में वो क्यों है कि वो सारे एक्ट आपको बैंकिंग में हेल्प करते हैं। आपका जो बैंकिंग का सिस्टम चल रहा है उसके रूल्स रेगुलेशन में ये सारे एक्ट हेल्प करते हैं। तो सरफेसी एक्ट के पीछे जो रीजन था पहले उस पर बात करते हैं। देखो, सरफेसी एक्ट का रीजन था रिकवरी। क्या था? और रिकवरी ऑफ एनपीए, रिकवरी ऑफ एनपीए के लिए वो एक्ट बना। इस एक्ट की जरूरत क्यों? देखो, पहले क्या था, जितने भी बैंकिंग केस थे वो कहां जाते थे? सिविल कोर्ट में जाते थे। यहां क्या होता था? टाइम, प्रोसीजर और क्या था, कॉस्ट बैंकों को लगती। फिर इस सिविल कोर्ट के डिसीजन को हायर कोर्ट में, बल्कि पहले आप सिविल कोर्ट है तो वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया, फिर क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। इतना कोई केस अगर हम डालेंगे रिकवरी का तो इसमें कम से कम 40 साल, ठीक है, या 10 साल भी लग गए, और उसके साथ क्या लगेगा, पूरा प्रोसीजर, आपकी कॉस्टिंग लग रही है, वकील की फीस लग रही है, सब होगा, और नतीजा जो है क्योंकि ओवरबर्डन हो गए कोर्ट, उसके बाद क्या हुआ भाई बताओ, भाई कोर्ट से हम परेशान हो गए। तो सरकार ने क्या करा, फिर रिकवरी की बात आई कि कुछ अच्छा करते हैं। तो एक क्या है, फाइनेंशियल डेट रिकवरी एक्ट है, जिसको हम डीआरटी नाम से देते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। कब बने? 1993 में, इसको भी हम पढ़ेंगे, डीआरटी बने। ठीक है, अब क्या हुआ, डीआरटी 1993 में बन गए, तो फिर इस एक्ट की जरूरत क्यों हुई? और ये जो सरफेसी है, सरफेसी एक्ट कब बना, देखो 2002 में सरफेसी एक्ट कब बना, तो 2002 में अगर ये एक्ट बनता है तो ये गैप जो है 9 ईयर का, इसमें कुछ हुआ, क्या हुआ कि इसकी भी स्पीड वैसे ही हो गई, किसकी, जैसे कि सिंपल कोर्ट की होती थी, क्योंकि डीआरटी में जो होते हैं जज वो वहीं से आते हैं, डीआरटी में जो वकील खड़े होते हैं वही वकील होते हैं, तो उनकी आदतों में शुमार होता है, वो उसी तरह चलने लगा। एक बात, दूसरी बात, डीआरटी में लिमिटेशन थी 10 लाख। तो अब ये हुआ कि भाई छोटे उनका क्या किया जाए, ठीक है, तो इसमें यही एक प्रॉब्लम आई कि इसीलिए एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या रखा, सरफेसी। तो सरफेसी की सबसे पहले हम लोग जो सबसे बेसिक है, अगर आपने इसकी डेफिनेशन एस, एस के बाद क्या है, लो। देखो क्या है, ए, 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 क्यों है ये,
नॉर्मली एब्रीविएशन में क्या होता है एंड को साइलेंट करते हैं कृष्ण, फिर क्या है ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है दो कामों का, इसको समझ लिया, अगर इसको इस डेफिनेशन को समझ लिया पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। क्या करना है हमें, सिक्योरिटाइजेशन करना है और रिकंस्ट्रक्शन करना है किन चीजों का, ऑफ फाइनेंशियल एसेट, इतना काम हो गया, दो काम करा दिया, आगे क्या है देखो, अब की वाला एंड इन्होंने ऐसे लिया हुआ, एंड एनफोर्स करना है, क्या करना है एनफोर्समेंट ऑफ, फिर क्या है किस चीज का करना है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब 5 मिनट हम इसी बात करते हैं, ये जितना क्लियर होगा आपको पूरा चैप्टर आसान है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है या रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, अच्छा चलो ये बताते हैं रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन क्या है, तोड़ के दोबारा, ठीक है, तो बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन क्या है, तोड़ के बनाना, लेकिन ये बिल्डिंग का नहीं है रिकंस्ट्रक्शन, किसका है फाइनेंशियल एसेट का, फाइनेंशियल एसेट का मतलब लोन्स एंड एडवांसेस, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब है, जैसे आपने एक लोन बनाया कार लोन, उसने कहा साहब हमने 5 साल के बना लिया, इसकी ईएमआई 15,225 रुपए हो गई, रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब नहीं, ड्यूरिंग द रनिंग पीरियड जो चल रहा है उसमें पॉइंट किसी भी मिड पॉइंट पे कहीं पर भी हमने कहा नहीं इसको हम 1 साल के लिए और बढ़ा देते हैं, एक बार इसकी ईएमआई काम कर देते हैं, दूसरी बात, तीसरा इसको किसी और को हैंड ओवर कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है, ये सब ये रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मकान को रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, खराब हो गया, खूबसूरत नहीं है, मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, इनकम नहीं दे रहा, तो ऐसे ही ऐसे एज फाइनेंशियल एसेट को जो सही चल रहा उसके लिए नहीं, जहां पे कुछ डिफॉल्ट हो रहे हैं, हमारी इनकम नहीं दे रहा है वो, उनका उन फाइनेंशियल एसेट का क्या कर रहे हैं, एक बात। अब बात आई सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन से एक क्वेश्चन आएगा, जरा पेज खोलो, पहला आप देखोगे इसमें जो यूनिट का नाम है सबसे पहला जो दिया हुआ है जहां पे सिक्योरिटाइजेशन लिखा हुआ, खोलो जरा कौन से पेज पे देखो सिक्योरिटाइजेशन, ये 217 खोल देना, 217 पेज पे सिक्योरिटाइजेशन लिखा हुआ, ठीक है, एक लाइन में पढ़ा, फिर सुनना, सिक्योरिटाइजेशन मींस एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सिंपल बात है फाइनेंशियल एसेट को लेना, कौन लेता है फाइनेंशियल एसेट ये बता सकते हो, एसेट आप फाइनेंशियल एसेट लेते हो या क्रिएट करते हो, क्रिएट करते, क्या लेते भी हो, एक तरह से ये बोल सकते हैं जब हम टेक ओवर ऑफ एडवांसेस करते हैं तो हम लेते भी, दोनों बातें आ गई ना, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो क्रिएट नहीं करती, सिर्फ एग्जिस्टिंग एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स को लेती है, तो एक्वायर करती है, क्या लिखा बाई द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सारा कोर क्रक्स यहां पर आ गया, By whom? They are known as ARC, means Asset Reconstruction Company. ये वाला काम आ गया देखो, तो इसका मतलब कोई कंपनी जो known as ARC, वो सिक्योरिटाइजेशन करती है यानी एक्विजिशन करती है फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक हो, क्लियर होगी बात, अच्छा आगे लिखा है फ्रॉम ओरिजिनेटर, जिसको मैंने क्रिएटर बोला, तो अब आएगा क्वेश्चन ओरिजिनेटर कौन, ओरिजिनेटर इज बैंक,
ओरिजिनेटर इज यार, जिसको मैंने क्रिएटर वर्ड बोला, ये लीगली क्या है? ओरिजिनेटर। फिर क्या बोलता है? सच एन इक्वेशन बी बाय द रेजिंग ऑफ फंड्स, क्या रेजिंग ऑफ फंड्स बाय सच अ सिक्योरिटाइजेशन इन रीजनल कंपनी फ्रॉम द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर। आप यहां समझ लेना, फाइनेंशियल एसेट है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कार लोन है, क्या है? कार लोन है 5 लाख का आउटस्टैंडिंग। द कॉस्ट ऑफ दिस कार लाख इज, कार लोन इज 5 लाख। इफ दिस कंपनी इज कमिंग टू बाय दिस और एक्वायर दिस एसेट, हैज टू पे 5 लाख रुपए। एंड देयर आर सो मेनी लोन्स। इफ सपोज दिस कंपनी इज बाइंग 100 car loans, मींस 5 into 100 is equal to 500 lakhs, 5 crore. Suppose this amount is very high, उस केस में क्या होगा कि हो सकता है इसको कितने रुपए चाहिए, तो इस कंपनी के पास पैसे कितने होंगे? क्या इस कंपनी के पास 1000 करोड़ होंगे? नहीं, आगे पढ़ेंगे। तो इस कंपनी के पास अगर 1000 करोड़ नहीं है, तो उसने लिखा है भाई रेजिंग ऑफ फंड्स, यानी ये कहीं से पैसा लेगी, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। और ये पता है कौन इनको ऑथराइज करता है? QIB का दर्जा कौन कंपनी देती है, कौन रेगुलेटरी देती है किसी भी कंपनी को? नहीं, सेबी। ये हमने म्यूचुअल फंड में पढ़ा था, अगर म्यूचुअल फंड में शेयर कैपिटल शेयर मार्केट में पढ़ा था कि जो कोटा होता है 35-15-30-35 का 50 का, उस पे जो 50% के शेयर्स जो बाई होते हैं वो थ्रू QIB। अच्छा, QIB के पास पैसा कहाँ से आता है? QIB के पास पैसा कहाँ से आता है बोलिए? पब्लिक करती है। QIB मींस म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, FII, ये सब क्या है? QIB है, LIC सब क्या है? QIB ऑथराइज्ड है, ये स्टैंडर्ड है इनका एक। और ये स्टैंडर्ड ऐसा है कि सेबी ने इनको बोला हुआ, हाँ आप इस काम के लायक हैं कि पब्लिक से पैसा ले लें। अब ये अपने पैसे का क्या कर सकते हैं? कैपिटल मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड मार्केट में लगाते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, प्लस दे गिव टू तो सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर ARC acquire some financial asset for the purpose of securitization and reconstruction from the originator bank, ठीक है, and the fund is arranged through QIB, ठीक है। अब आगे पढ़ देखते हैं, by issue of security receipts representing undivided interest of the financial assets or otherwise। अब देख लो, By issue of security receipt, कौन कर रहा है इश्यू? लिखा हुआ है फ्रॉम द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बाय इश्यू, ये कर रही है रिसीट इश्यू। किसको कर रही है रिसीट इश्यू? है नहीं, आप बात समझ लो, ये जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात, ये जरूरत इसलिए पड़ी, इसके पास पैसा नहीं है। किसके पास? अगर ARC के पास पैसा होगा तो खराब लोन लेने नहीं जाएगी, वो गोल्ड लोन बांट देगी। समझो बात को, क्या लेने जा रही है वो? खराब लोन। तो ऐसा धंधा कि खराब ही चीज हम खरीदे हैं, उसमें पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें पैसा लगाने से अच्छा हम क्या करें? सही चीज। तो इनको ये सब फिनोमिना जो बना रखा है सरफेसी में, वो इस तरह बना रखा कि ये कंपनियों को सपोर्ट मिलनी किससे, और ये इनको इश्यू कर रही है रिसीट किनको? बैंक को, लाइक प्रोमिसरी नोट।
और जैसे अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो हमारी बैलेंस शीट में अगर हम लायबिलिटी और एसेट की बात करते हैं तो एसेट में हमारे क्या है, लोन्स हैं। अच्छा, अगर ये हम बेच देंगे तो हमारे एसेट्स इतने से क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। अगर ये कम होंगे तो या तो हमारे पास कैश आना चाहिए, रिकवरी आनी चाहिए, और कैश नहीं आ रहा, क्या आ रहा है जरा बताओ इस केस में, रिसिट आ रही है। और वो रिसिट यहां पे दिखाएंगे जो भी उनकी होती है मिसलिनियस एसेट। बात समझ आ रही है, ये इस तरह करके बैलेंस। अच्छा, क्या इस बैंक को ओरिजिनेटर को पैसा इमीडिएट मिल गया? नहीं, नहीं मिला। क्या मिला इसको? प्रॉमिस मिला। और वो प्रॉमिस या वो रिसिट मार्केट में ट्रेडेबल होती है, यानी एक्ट ने इतना स्ट्रॉन्ग वो कर रखा है कि उसको देख के कोई अरे ये नहीं ले चाहिए मुझको ऐसा नहीं कह सकता कोई, उसकी एक फाइनेंशियल वर्थ है। समझ में सिक्योराइजेशन क्या है? ठीक है, यहीं पे जो ये बात हम कर रहे थे कि इन लोगों की एआरसी के एक दो पॉइंट यहीं पे क्लियर करेंगे हम। दूसरा उसमें दूसरे पैराग्राफ में बोला हुआ है कि सिक्योराइजेशन डिफाइंड हेयर इज न्यू फॉर द इंडियन लॉ एज वेल एज फॉर द, क्योंकि ये सिस्टम जो है पहले नहीं था। अब हमें दिख ही रहा है कि 2002 में एक्ट आया उसके बाद इसकी चर्चा हो रही है ना, इस व्यवस्था की चर्चा कब हो रही है, एक्ट के बाद में हो रही है। और सब बोलता है कि दिस इज ए प्रोसेस वेयर नॉन लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी। देख लो, समझ रहे हो कि यहाँ पे ये लोन खराब हुआ, ये लिक्विड एसेट नहीं था, और ये लिक्विड एसेट नहीं था बट नाउ कन्वर्टेड टू द लिक्विड एसेट्स बाई होल्डिंग द सिक्योरिटी विच इज ट्रेडेबल इन मार्केट। क्लियर होगी बात? अच्छा, फिर बोलता है सिक्योरिटी रिसीट्स दैट कैन बी सोल्ड टू द इन्वेस्टर, जो भी पैसा लगाएगा उसको दे देंगे हम। इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रिसीवेबल्स एंड अदर एसेट इनटू सिक्योरिटी। दीज लोन्स आर बट रिसीवेबल्स नाउ कन्वर्टेड टू द सिक्योरिटी। ठीक है, अच्छा सिक्योरिटी अच्छी होती है, रिसीवेबल्स अच्छे होते हैं? सिक्योरिटी अच्छी होती है, रिसीवेबल्स अच्छे होते हैं? सिक्योरिटी अच्छी होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब उनकी ज्यादा ट्रेड होती है। अब तुम कहोगे मैंने उसको 10,000 का उधार दे रखा, आएंगे अपने खाते में लिख लिया, ठीक है, लेकिन अगर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो सिक्योरिटी होगी। समझ में आ रही बात? अच्छा, और क्या कहता है इसमें, सिक्योरिटी सिक दैट कैन बी प्लेस इन द मार्केट और ट्रेडिंग एनजीएम लॉज द प्रोविजन फॉर नो प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ क्लेम्स दैट आर सिक्योर्ड बाई द सिक्योरिटी। और समझ में आई बात? अब क्या है कि ये जो सिक्योरिटी के थ्रू हो रहा है उसमें ट्रांसफर क्लेम नहीं है। क्या ट्रांसफर क्लेम नहीं है? कि जो बंदे ने लोन लिया था वो ये क्लेम नहीं करेगा कि मेरा लोन तुमने उनको क्यों ट्रांसफर कर दिया, मैं तो तुम्हें को दूंगा पैसे। अच्छा, आगे आ जाओ। अच्छा, इसका थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा एआरसी के बारे में। क्या है एआरसी के बारे में बोलता है? एक्ट पर द गाइडलाइन ऑफ 2004 क्या बोलता है? द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब एआरसी इज 2 करोड़। क्या बोलता है? इनकी जो क्या कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? 2 करोड़। और हम यहाँ देखो बात कर रहे थे 5 करोड़ का लोन देने की। समझ में आ गई पर्पज? भाई मेरे को एआरसी खोलनी, मैंने 2 करोड़ रुपए पैसे लगाए, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर लगाया, आरबीआई से लाइसेंस ले लिया, अब मैं क्या करूंगा बैठ करके? क्योंकि मेरे पास तो ये खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसे खरीदूंगा? थ्रू सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, आगे देखिए। और उसमें बोलता है दीज कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ। देखो हम जब बेसिल पढ़ते हैं तो आपको पता है हमारे बैंक का बेसिल है 9%, लेकिन एआरसी के लिए कितना? 15%। क्यों? लॉजिक बता दो जरा भाई। जो बैंक अच्छे अच्छे लोन दे रहा है उसके लिए हम 9% रिस्क बता रहे हैं,
9% मेंटेन करो, ये तो खरीदी खराब चीज रहा है, तो खराब खराब हो गए चांसेस और बढ़ गए। इसीलिए इस पे क्या है रिस्क वेट, मतलब सॉरी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या करना है, जितने एसेट लेगा उसका 15% इसकी अपनी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार सुनो, यहां पे मैं 10 करोड़ लगेगा, कितना 10 करोड़ अगर एडवांसेस मुझको क्या करना है एक्वायर करना है थ्रू दिस प्रोसेस, तो इसका 15% शुड बी माई क्या कैपिटल होना चाहिए। तो 10 करोड़ का 15% इज व्हाट 1.5 करोड़। दिस कंपनी इज एलिजिबल टू टेक टू एक्वायर द एसेट ऑफ 10 करोड़। इफ सपोज ही इज रेडी टू एक्वायर 20 करोड़, देन 15% ऑफ दिस इज कितना, एंड दिस कंपनी इज नाउ नॉट एलिजिबल। अब क्या करना पड़ेगा इस कंपनी को, नहीं नहीं उठा सकती भाई। अच्छा, यहां तो उठा सकती थी वो, ठीक है यहां नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, हम यहां पे 20 करोड़ का हम बोल रहे हैं ना, इसकी खुद की नेटवर्थ होनी चाहिए 20 करोड़ का उठाने के लिए। अच्छा इस केस में बताओ जरा, 10 करोड़ का उठाना चाहती है, अपनी नेटवर्थ कितनी है, हम एलिजिबल बोल रहे हैं ना, 8 करोड़ कहां से लाएगी, नीचे से ला रही। तो पहले केस में तो एलिजिबिलिटी बन रही है, इवन इसमें भी बन रही है, 5 करोड़ है उसकी कम कैपिटल है फिर भी उठाने को दे रहे हैं। लेकिन अगर 15% से कम है तो उससे ज्यादा उठा नहीं सकती, उसके लिए क्या करेगी, या तो ये अपनी कैपिटल को बढ़ा सकती है, 5 पार्टनर ले आएगी, कहेगी 5-5 करोड़ लगा लो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी कंपनी की नेटवर्क 30 करोड़ है तो वो कितना लोन एक्वायर कर सकती है थ्रू दिस QIB, नहीं 33 होता था 4.5, थोड़ा सा और कैलकुलेशन वो करो। अरे मैं कह रहा हूं 15 करोड़ कैपिटल है उसकी, 15 करोड़ कैपिटल, तो किस चीज का 15% विल बिल बिल भी 15 करोड़, कितने का, कितना 2-5, नहीं नहीं 2.5। अरे भाई मैं कह रहा हूं उसकी कैपिटल 15 करोड़ है, रिजल्ट पहले बता रहा हूं आपको, 100 करोड़ उल्टा बोल रहा हूं ना मैं, 100 करोड़ का लोन ले सकती है ये, क्योंकि इसकी कैपिटल उसके 15% है। अब मान लिया एक आखिरी पॉइंट है, देखना मैं चाहता हूं जी 500 करोड़ का और मेरी कैपिटल है 20 करोड़, क्या मैं ले सकता हूं या नहीं, एक्वायर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं मैं, तो फिर विजय माल्या का लोन कौन सी ERC देगी बता दो, इसका मतलब वो तो ERC से बच जाएंगे। लास्ट लाइन पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ, और 100 करोड़ और क्या 100 करोड़। अच्छा अब देखो 500 करोड़ का कितना 15% इज 75 करोड़, तो ये नहीं ले सकती। अगर ये अपना बढ़ा करके 75 कर ले तो ले सकती है। अब हम करते हैं यहां पे इसकी कैपिटल कर देते हैं 100 करोड़, कितनी कर देते हैं, और कहते हैं भैया 2000 करोड़ का लोन उठा लो, 2000 करोड़ का लोन उठा लो, कितना चाहिए कैपिटल 15%, 2000 करोड़ का 15% इस 300 करोड़, हैविंग 100 करोड़ तो एलिजिबल है, क्योंकि उसको बोला मैक्सिमम 100 करोड़ अगर रखते हो तो कितने का उठा लो। पॉइंट समझ में आ रहे बात, तो क्या है 15% 1 पॉइंट, दूसरा क्या है मैक्सिमम 100% और विच एवर रीच जैसी जरूरत है।
क्योंकि इस केस में देखो लेस से भी काम चल रहा था, मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये पॉइंट थे। इतना सरफेसी का मतलब ये हुआ कि यानी हम अपना मान लो मैं कोई हमारा बैंक अगर कोई किसी को लोन को सरफेस में डाल रहा है, बिल्कुल, यानी हम बेच रहे हैं, बेच सकते हैं, दिस इज वन प्रोसेस। कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा सिक्योरिटी नहीं, ये भी नहीं है। आप अगर आपको खरीदा नहीं हो किसको बेचोगे, ये भी है। आपके पास एआरसी होनी चाहिए, और भी हम अपना लोन सर्विस में डालते हैं, जरूरी नहीं है कि ना 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 जरूरी नहीं है। बिल्कुल, सरफेसी के प्रोसेस में एक पॉइंट है सिक्योरिटाइजेशन, सरफेसी के प्रोसेस में एक पॉइंट है सिक्योरिटाइजेशन। सर जो हमें पैसा नहीं दे रहा सरफेसी में, यानी कि हम वही लोन डालेंगे जो खराब है, अच्छे लोन तो डालेंगे। हाँ, उसके लिए हम अभी काम करेंगे, 5 या 7 मिनट में वो पॉइंट आएगा कहाँ सरफेसी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब लगा लिया। अब आपका क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया कि देर आर टू वे फॉर रिकवरी, बल्कि 3 वे। अपने ऑफिसर को रोज भेज के मंगा लो पैसा, नहीं देता तो सरफेसी एक्ट के अंदर कुछ एक्शन कर लो, इसको बोलते हैं सरफेसी लगाना।